نحمده ونصلي على رسول كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار کشتی امت کے بنہار ہم سب کے مالک و مختار انیس بے قسام درد مندہ چار ساجاں سیاہ لا مکان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا رسول الله سيرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہم آج آپ کو غم کا سال سن دس نبوی سے سنانا شروع کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تھی کہ ابو طالب بیمار ہو گئے اور گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ابو طالب کی وفات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی جانبداز اور روح فرسا حادثہ تھا، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار با محبت کے ساتھ ابو طالب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کی تھی اور زندگی کے ہر موڑ پر جس جانساری کے ساتھ آپ کی نصرت و دستگیری کی اور آپ کے دشمنوں کے مقابل سینہ سپر ہو کر جس طرح عالم و مصائب کا مقابلہ کیا، اس کو بھلا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح بھول سکتے تھے. جب ابو طالب مرج الموت میں مبتلا ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے چچا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے. یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے سبب سے میں خدا کے دربار میں آپ کی مغفرت کے لیے اصرار کروں گا. اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ابو طالب کے پاس موجود تھے. ان دونوں نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے روگردانی کریں گے؟ اور یہ دونوں برابر ابو طالب سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ ان کی زندگی کا آخری قول یہ رہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں. یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالی مجھے منع نہ فرمائے گا.
इसके बाद ये आयत नाजिल हो गई कि यानी नबी और मुमिनीन के लिए ये जायज ही नहीं कि वो मुशरिकीन के लिए मगफिरत की दुआ मांगे, अगरचे वो रिश्तेदार ही क्यों न हो, जब इन्हें मालूम हो चुका है कि मुशरिकीन जहन्नमी हैं। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर अभी अबू तालिब के इंतकाल का जख्म ताज़ा ही था कि अबू तालिब की वफात के 3 दिन या 5 दिन के बाद हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी दुनिया से रिहलत फरमा गई। मक्का में अबू तालिब के बाद सबसे ज्यादा जिस हस्ती ने रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नुसरत व हिमायत में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया, वो हजरत बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जात गिरामी थी। जिस वक्त दुनिया में कोई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुखलिस मुशीर और गमखार नहीं था, हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ही थी कि हर परेशानी के मौके पर पूरी जानसारी के साथ आपकी गमखारी और दिलदारी करती रहती थी। इसलिए अबू तालिब और हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा दोनों की वफात से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मददगार और गमगुसार दोनों ही दुनिया से उठ गए, जिससे आपके कल्बे नाजुक पर इतना अजीम सदमा गुजरा कि आपने उस साल का नाम आमुल हुज्न यानी गम का साल रख दिया। हजरत बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रमजान सिंदस नबवी में वफात पाई। बवक्ते वफात 65 बरस की उम्र थी। मकाम हजून कब्रिस्तान जन्नतुल माला में मदफून हुई। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुदवा नफ्से नफीस कब्र में उतरे और अपने मुकद्दस हाथों से उनकी लाश को जमीन के सुपुर्द फरमाया। मक्का वालों के इनाद और शरकसी को देखते हुए जब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन लोगों के ईमान लाने से मायूसी नजर आई, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम के लिए मक्का के कुर्ब जवार की बस्तियों का रुख किया। चुनांचे इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताइफ का भी सफर फरमाया। इस सफर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत जैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमराह थे। ताइफ में बड़े बड़े उमरा और मालदार लोग रहते थे। उन रईसों में अम्र का खानदान तमाम कबाइल का सरदार शुमार किया जाता था। ये लोग 3 भाई थे, अब्दे यालीन, मसूद और हबीब। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन तीनों के पास तशरीफ ले गए और इस्लाम की दावत दी। उन तीनों ने इस्लाम कबूल नहीं किया बल्कि इंतहाई बेहुदा और गुस्ताखाना जवाब दिया। उन बदनसीबों ने इसी पर बस नहीं किया बल्कि ताइफ के शरीर गुंडों को उभार दिया कि ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बुरा सलूक करें। चुनांचे लुच्चो लफंगों का ये शरीर गुरोह हर तरफ से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर टूट पड़ा और ये शरारतों के मुजस्समे आप पर पत्थर बरसाने लगे, यहाँ तक कि आपके मुकद्दस पांव जख्मों से लहूलुहान हो गए और आपके मोजे और नालैन मुबारक खून से भर गए। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जख्मों से बेताब होकर बैठ जाते तो ये जालिम इंतहाई बेदर्दी के साथ आपका बाजू पकड़ कर उठाते और जब आप चलने लगते तो फिर आप पर पत्थरों की बारिश करते।
और साथ साथ ताना जनी करते, गालियां देते, तालियां बजाते, हंसी उड़ाते। हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ दौड़ कर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आने वाले पत्थरों को अपने बदन पर लेते थे और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बचाते थे, यहाँ तक कि वो भी खून में नहा गए और जख्मों से निढाल होकर बेकाबू हो गए। यहाँ तक कि आखिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंगूर के बाग में पनाह ली। ये बाग मक्का के एक मशहूर काफिर उतवा बिन रबिया का था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह हाल देखकर उतवा बिन रबिया और उसके भाई शैबा बिन रबिया को आप पर रहम आ गया और काफिर होने के बावजूद खानदानी हमियत ने जोश मारा। चुनाचे उन दोनों काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बाग में ठहराया और अपने नसरानी गुलाम अद्दास के हाथ से आपकी खिदमत में अंगूर का एक खोशा भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खोशे को हाथ लगाया तो अद्दास ताज्जुब से कहने लगा कि इस अतराफ के लोग तो ये कलिमा नहीं बोला करते। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारा वतन कहाँ है। अद्दास ने कहा कि मैं शहर नैनवा का रहने वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हजरत यूनुस बिन मत्ता अलैहि सलाम का शहर है, वो भी मेरी तरह खुदा अज़्ज़वजल के पैगंबर थे। ये सुनकर अद्दास आपके हाथ पांव चूमने लगा और फौरन ही आपका कलमा पढ़कर मुसलमान हो। इसी सफर में जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकाम नखला में तशरीफ फरमा हुए और रात को नमाज तहज्जुद में कुरान मजीद पढ़ रहे थे तो नसीबैन के जिन्नों की एक जमात नसीबा इनके जिन्नों की एक जमात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कुरान सुनकर ये सब जिन्न मुसलमान हो गए। फिर उन जिन्नों ने लौटकर अपनी कौम को बताया तो मक्का मुकर्रमा में जिन्नों की जमात ने फौज दर फौज आकर इस्लाम कबूल किया। चुनाचे कुरान मजीद में सूरह जिन्न की इब्तदाई आयतों में खुदावंद आलम ने इस वाक्य का तस्किरा फरमाया। मकामे नखला में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद दिनों तक क़याम फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकामे हिरा में तशरीफ लाए और कुरैश के एक मुमताज सरदार मुतइम बिन अदी के पास ये पैगाम भेजा, क्या तुम मुझे अपनी पनाह में ले सकते हो। अरब का दस्तूर था कि जब कोई शख्स इनसे हिमायत और पनाह तलब करता तो वो अगरचे कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो वो पनाह देने से इनकार नहीं कर सकते थे। चुनांचे मुतइम बिन अदी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी पनाह में ले लिया और उसने अपने बेटों को हुक्म दिया कि तुम लोग हथियार लगाकर हरम में जाओ और मुतइम बिन अदी खुद घोड़े पर सवार हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ मक्का लाया और हरमे काबा में अपने साथ लेकर गया और मजमे आम में ऐलान कर दिया कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पनाह दी है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान के साथ हजरे अजबत को बोसा दिया और काबे का तवाफ करके हरम में नमाज अदा की और मुतइम बिन अदी और उसके बेटों ने तलवारों के साए में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपके दौलत खाने तक पहुंचा दिया।
इस सफर के मुद्दतों बाद एक मर्तबा उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जंगे उहद के दिन से भी ज्यादा सख्त कोई दिन आप पर गुजरा है? तो आपने इरशाद फरमाया कि हाँ आयशा, वो दिन मेरे लिए जंगे उहद के दिन से भी ज्यादा सख्त था। जब मैंने ताइफ में वहाँ के एक सरदार अब्दे यालील को इस्लाम की दावत दी, उसने दावत इस्लाम को हकारत के साथ ठुकरा दिया और अहले ताइफ ने मुझ पर पथराव किया। मैं इस रंजोगम में सर झुकाए चलता रहा, यहाँ तक कि मकामे कनसाल में पहुँच कर मेरे होशो हवाल बजा हुए। वहाँ पहुँच कर जब मैंने सर उठाया तो क्या देखता हूँ कि एक बदली मुझ पर साया किए हुए है। उस बादल में से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे आवाज दी और कहा कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम का कौल और उनका जवाब सुन लिया और अब आपकी खिदमत में पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर है ताकि वो आपके हुक्म की तामील करे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बयान है कि पहाड़ों का फरिश्ता मुझे सलाम करके अर्ज करने लगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपकी कौम का कौल और उन्होंने आपको जो जवाब दिया है वो सब कुछ सुन लिया है और मुझको आपकी खिदमत में भेजा है ताकि आप मुझे जो चाहें हुक्म दें और मैं आपका हुक्म लाऊं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अक्षबैन अबू कुबैस और कई कान दोनों पहाड़ों को इन कुफार पर उलट दूं तो मैं उलट देता हूँ। ये सुनकर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी नस्लों से अपने ऐसे बंदों को पैदा फरमाएगा जो सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत करेंगे और शिर्क नहीं करेंगे। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीका था कि हज के जमाने में जबकि दूर दूर के अरबी कबाइल मक्का में जमा होते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम कबाइल में दौरा फरमा कर लोगों को इस्लाम की दावत देते थे। इसी तरह अरब में जा वजह बहुत से मेले लगते थे जिनमें दूर दराज के कबाइल अरब जमा होते थे। इन मेलों में भी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम के लिए तशरीफ ले जाते थे। चुनांचे अक्काज मुजनाजुल मजाज के बड़े बड़े मेलों में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कबाइल अरब के सामने दावत इस्लाम पेश फरमाई। अरब के कबाइल बनू आमिर, मुहारिम, फजारा, गसान, मुर्रा, सुलैम, अफस, बनू नसर, कंदा, कल्ब, उजरा, हजारिमा वगैरह, इन सब मशहूर कबाइल के सामने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश फरमाया। मगर आपका चचा अबू लहब हर जगह आपके साथ साथ जाता और जब आप किसी कबीले के सामने आवाज फरमाते तो अबू लहब चिल्ला चिल्ला कर ये कहता कि ये दीन से फिर गया है, ये झूठ कहता है। कबीलाए बनू जहल बिन शैबान के पास जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आपके साथ थे। इस कबीले का सरदार मफरूक आपकी तरफ मुतवज्जे हुआ और उसने कहा कि ऐ कुरैशी बरादर, आप लोगों के सामने कौन सा दीन पेश करते हैं? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा एक है और मैं उसका रसूल हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सूरह अनाम की चंद आयतें तिलावत फरमाई। ये सब लोग आपकी तकरीर और कुरानी आयतों को तासीर से इंतहाई मुतअस्सिर हुए, लेकिन ये कहा कि हम अपने उस खानदानी दीन को भला एकदम कैसे छोड़ सकते हैं।
जिस पर हम बरसहा बरस से कार बंद हैं। इसके अलावा हम मुल्के फारस के बादशाह किसरा के जेरे असर और रैयत हैं, और हम ये मुहायदा कर चुके हैं कि हम बादशाह किसरा के सिवा किसी और के जेरे असर नहीं रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की साफ गोई की तारीफ फरमाई और इरशाद फरमाया कि खैर खुदा अपने दीन का हामी बनासिर और मुईन और मददगार है। मेरे पढ़ने और आप सुनने में साहिबान मुकद्दम जो अतिया हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माफ फरमाए और इस बयान को अपनी प्यारी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।